हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज दोस्तों हमारे पास आ चुका है ये स्पीकर, यूई वंडर बूम ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, जो कि ये है बिल्कुल वाटरप्रूफ दोस्तों। इसमें पानी वगैरह में डाल दोगे तो इसमें पानी नहीं वगैरह जाता है, तो जैसा कि मैंने देखा था। लेकिन हमारे पास आ चुका है आज ये, ठीक पहली बार होने के लिए। तो ये भाई ने खोल के भी देखा दोस्तों, लेकिन उनसे पूरा खुला नहीं है, यहाँ ऊपर ऊपर का ही हिस्सा खोल पाए, जिससे कि वो फिर हमारे पास लेके आए। वो काफ़ी दुकानों पर दिखाया उन्होंने, उन्होंने बोले भैया हमारे बस का नहीं है, इसको लेके जाओ रिंकू के पास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि मैं ऐसी चीज़ें ठीक करता हूँ। क्योंकि जो वीडियो थी मेरी, सभी भाइयों के पास आने लग चुकी है धीरे धीरे करके, तो उनको पता लग चुका है मैं ये चीज़ें ठीक करता, तो वो अपने आप यहाँ पे भेज देते हैं मेरे पास। तो अब मैं दिक्कत क्या आ चुकी है दोस्तों, देखिए इसमें चार्जर लगाते हैं तो कोई भी इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण कि ये चल नहीं रहा है दोस्तों। तो यही इसी प्रॉब्लम में आया है। तो इसमें चक्कर क्या है दोस्तों, इसको खोलने में बहुत वो दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह कंपनी ने इस तरह पैक कर रखा है कि इसका हिसाब ही नहीं आता कि किस तरह इसको खोलना है, किस तरह नहीं खोलना। तो आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कंप्लीट इसको खोल के कैसे खोल सकते हैं, और फिर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ खोलना ही ज़रूरी है, कि खोलेंगे तभी ये ठीक हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं खोला तो ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे इसको खोलेंगे दोस्तों, और कैसे इसको ठीक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, देखिए अपने ओपनर ले लिया, ओपनर से जो इसका आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ऊपर का ढक्कन इसका, तो इसको इस तरह उठाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई भी नट नहीं है, लॉक के थ्रू ही इसमें लगा हुआ है। तो इसको फटाफट यहाँ से खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए तो एक बार इन खोल लेते हैं इसको, फिर आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिस दोस्त जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, और कमेंट ज़रूर करना, तो बताना कमेंट करके किस किस के पास ये ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे खुलने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे इसके ऊपर नट दिए गए हैं, तो इन नटों को खोल लेंगे। और बाकी देखिए यहाँ ये इस लॉक के थ्रू अटका हुआ था, जिससे कि ये खुल नहीं रहा था, काफ़ी टाइट बंद था। तो अब हम कह रहे हैं हमने यहाँ पे नट खोल लिया, तो अब इसमें हमें क्या दिक्कत दिख रही है, देखिए हम सोचते हैं कि इसको ऊपर उठाएंगे, तो यहाँ से हम इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ पाएगा बिल्कुल भी, तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठेगा ऊपर। तो इसका खोलने का तरीका दूसरा है दोस्तों, बताते हैं। तो इसको हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए इसको हमें इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ऊपर का जो मुंह है इसका वो पतला है थोड़ा, और नीचे का जो थोड़ा बड़ा है इसका, तो उसके हिसाब से अब देखिए इसको निकालना कैसे। इसको ऐसे दबाएंगे जाली को पकड़ के, इसके जाली को पकड़ के ऐसे दबाएंगे, तो दबाने से नीचे की तरफ निकल जाएगा इसका बीच का हिस्सा, तो इस तरह ही कुछ निकल जाएगा दोस्तों। तो आपको निकाल के फटाफट दिखाता हूँ, और निकालने के बाद दिखाते हैं इसके अंदर कितने स्पीकर दिए गए हैं और कितने बेस बूफर बनाए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो स्पीकर दे रखे हैं और ये दो बेस दे रखे हैं, और काफ़ी हैवी बॉडी में बना रखा है दोस्तों, हैवी भी काफ़ी है ये। तो इसको रख देते हैं अलग दोस्तों, तो आपको बाद में सारे पार्ट्स भी दिखाऊंगा मैं, इनके कितने सारे पार्ट्स निकले लास्ट में बिल्कुल, तो आपको वीडियो कम्प्लीट देखने होगी दोस्तों। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या है, देखिए इसको इस तरह हम खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर लॉक दे रखा है, यहाँ पर कोई भी हमें नट नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हमें करना क्या है, देखिए इसको उठाने के लिए सबसे पहले हम इसके स्पीकर हैं, इन स्पीकरों को खोल लेंगे, इसके दो स्पीकर है दोनों के नट खोल लेते हैं फटाफट दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए इसके हमने खोल लिया है, तो इसको भी फटाफट खोल के इनको स्पीकर को निकाल लेंगे बाहर, तो फिर इसके दिखाएंगे आगे कैसे इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखिए तो हमने नट खोल लिया है, तो इनके स्पीकर को निकाल लेते हैं एक बार यहाँ से बाहर ओपनर की मदद से, इसको यहाँ से ऐसे निकालते रहेंगे दोस्तों, निकालने से क्योंकि ये चिपका हुआ है नीचे दोस्तों, डबल टेप लगी है उसके हिसाब से चिपका हुआ है, तो इसको ऐसे करेंगे तो इससे ये बाहर आ जाएगा। तो इस वाले स्पीकर को भी निकाल लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से तो नट वगैरह खोल लिया, काफ़ी आपको दिखाऊंगा भी कितने नट निकल चुके हैं इसमें अंदर से भी, तो आपको साइड में दिख रहा होगा, और अभी इसमें इतने नट निकलेंगे जितने आईफोन में निकलते हैं उसके हिसाब से नट निकलेंगे दोस्तों इसमें भी। तो देखिए यहाँ से हमने इसके स्पीकर को अलग कर लेंगे दोनों स्पीकर को, देखिए स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी हैवी बना रखी है दोस्तों, देखिए बहुत हैवी क्वालिटी है, तो इसकी जो साउंड होगी वो भी काफ़ी बढ़िया होगी। मैं आपको इसमें साउंड तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इसको चला के जब दिखाऊंगा जो स्पीकर जब ये चलते हैं तो कितना ज़्यादा हिलते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसको खोल लिया, अब इसको हमने नीचे वाले को निकालना है। देखिए तो हमें लग रहा था जैसे कि लॉक से अटका होगा, तो लेकिन इसमें लॉक से नहीं अटका है, आपको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे नट दिए गए हैं, जिससे कि इसको नट खोल के ही खुलेगा। तो अब इसके नट कैसे खुलेंगे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब हम इसमें साइड में पेचकस लगाएंगे, पेचकस लगाने से क्या होता है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे आपको नट दिख रहे होंगे, तो इन नटों का जब हम पेचकस से साइड से खोलेंगे तो पेचकस अंदर की तरफ सही तरह लग ही नहीं पाता, जिससे कि नट खुल नहीं गए हैं। तो अब हमें करना है क्या, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके तारे हैं जो कि हमने अलग कर लिए यहाँ से, तो आपको मैं तारों को अलग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको नट दिखेंगे। देखिए दोस्तों एक साइड में दो तीन नट दिख रहे होंगे, थोड़ा बड़ा करके साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नट है, अगर जब इसमें पेचकस लगाएंगे साइड में से तो ये खुल भी नहीं पा रहा है दोस्तों, ये हमने चेक कर लिया है। तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक बार नट, इनके चित्र यहाँ पे कैसे नट लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को कैसे खोलना है ये भी आपको दिखाएंगे किस तरह आप इसको खोल पाओगे। तो देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, पहले हमें इसके ऊपर के बेस को अलग करना पड़ेगा इसके नट खोलने के लिए।
तो ऊपर को बेस को कैसे अलग करेंगे, देखिए एक बार पेचकस दिखाता हूँ मैं। कैसे कह रहा था कि देखिए जब ऐसे पेचकस लगाएंगे तो नट पे सही तरह लग नहीं पा रहा है, और लगने के कारण क्या है दोस्तों, हमारे पास 2-3 पेचकस थे, हमने सारे लगा के देखे तो कोई भी नट तक नहीं जा रहा है सही तरह, और इसलिए खुल नहीं रहा है। तो उसको खोलने का तरीका क्या होगा दोस्तों, देखिए दोनों साइड से ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इसको खोलते हैं दोस्तों। देखिए खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी वायरिंग दे रखी है इन वायरों को अलग करना पड़ेगा, जिससे कि ऊपर का ये बेस है ऊपर की तरफ आ जाएगा जैसे कि दिख रहा है। तो ये जितने इसके अंदर लॉक दिए गए हैं तो इन तारों को सारों को अलग कर लेंगे लॉक की तरह से, और कुछ चिपका रखे हैं और कुछ ऐसी है। तो देखिए इनको अच्छी तरह निकाल लेते हैं यहाँ से, निकालने के बाद जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं उन्हीं को ध्यान रखने में दोस्तों, वैसे सभी की पॉइंट है अलग अलग तरह शेप में बने हैं, तो हमें ध्यान करने का है जो हमें जहाँ से निकालें उसको उसी हिसाब से लगाना लास्ट में फिटिंग करते हुए। तो इसको देखिए यहाँ से ये लॉक दे रखा है, इस लॉक को ऐसे दबा लेंगे, दबाने से नीचे की तरफ आ जाएगा। और देखिए हम पहले वैसे इसको नीचे खींच रहे थे, अगर इसको ज़्यादा खींचते तो लॉक टूट जाता, फिर लगाने में दिक्कत आती। तो यहाँ पे 2 पे लॉक दे रखा था, इन लॉक को दबा के हमने नीचे थे इनको निकाल लिया, अलग कर लिया है तारों को। तो अब देखिए 2 तारों पर इन्होंने पेस्ट लगा रखे हैं यहाँ पे गम, तो इस गम को भी फटाफट अलग कर लेते हैं, कि अलग करेंगे तभी ये ज्वाइंट है अलग हो पाएंगे दोस्तों, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अलग नहीं हो पाएंगे, तो उसमें टूटने का डर बना रहेगा। तो इनके देखिए पॉइंटों को अलग करके इनको अलग कर लेते हैं यहाँ से तारों को भी। तो देखिए यहाँ से जितनी भी आपको तारे दिखे यहाँ पे सभी को आपको अलग करना है, एक को भी ये नहीं है कि भी छोड़ना है, सभी को अलग करोगे तभी ये ऊपर का हिस्सा अलग हो पाएगा। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे तारे पॉइंट लगे हुए थे तो हमने उतार लिया दोस्तों। देखिए तो आपको हर एक चीज़ इसमें खोल के दिखाऊंगा स्पीकर में दोस्तों, कितने नट निकले हैं और कितनी प्लेटें हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे भी 9 नट दे रखे हैं और इसके नीचे भी प्लेट दे रखी है देखिए दोस्तों, तो डबल प्लेट यहाँ पे ही हो चुकी है। तो इनके भी एक बार फटाफट नट खोल लेते हैं यहाँ पे, तो खोल के दिखाते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर इसके बारे में दिखाएंगे यहाँ से कैसे खोल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नट, इन नटों को आप बिल्कुल आराम से खोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ से सीधा पेचकस बिल्कुल आराम से लगेगा इसमें, तो इसको अच्छी तरह आप खोल लोगे। अब तो देखिए आपको नट दिखेंगे यहाँ पे, देखिए कितने सारे नट दे रखे हैं इन्होंने जिससे कि ये अटका हुआ था, जब भी इसकी फिटिंग काफ़ी बढ़िया बना रखी है, और नटों का ही वजन इतना हो गया तो बॉडी का तो होगा ही दोस्तों। और बैटरी भी काफ़ी हैवी दिख रही है इसके अंदर, क्योंकि बैटरी पैक अभी भाई जिसका था ये अपना फ्रेंड ही है, वो काफ़ी बढ़िया बता रहा था इसका कि बैटरी पैक काफ़ी अच्छा है और साउंड भी बहुत बढ़िया है। तो अब इसके यहाँ पे नट खोल लेंगे, नटों को खोल के इसके बिल्कुल नट खुल जाएंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ पे जितने हैं नट हमने खोल लिए, देखिए खोलने बाद ये बिल्कुल आराम से बाहर आ चुका है। तो ये बैटरी है इसकी, ये तारे सारी बाहर आ चुकी है बिल्कुल, तो ये भी खाली हो चुका है अंदर से, तो ये अलग हो चुका है। देखिए ये इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत बना रखी है दोस्तों, ये काफ़ी हैवी है तो वजन में, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है, तो खोल के फिर हर एक चीज़ का पता लगता है दोस्तों कितना किसमें वजन है। तो काफ़ी क्वालिटी है, बेस्ट बना रखी है इसकी दोस्तों, स्पीकर में काफ़ी पसंद आया ये। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखिए इसके नट हैं कितने सारे नट निकल चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसमें अभी भी और बहुत सारे नट बचे हुए हैं, तो इतने तो अभी निकल ही चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी इसको खोलेंगे तो और भी इसमें नट निकलेंगे, तो फटाफट उसको और आगे खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, देखिए आपको दिखेगा ये पॉइंट, तो यहाँ पे तारे वगैरह हैं, तो इसके नीचे भी प्लेट है दोस्तों, और यहाँ पे भी नटे दे रखे हैं कितने सारे, तो इसके नीचे भी प्लेट है। इसके नीचे जो प्लेट है वो है चार्जिंग का पत्ता है इसका दोस्तों, जो चार्जिंग वाला है, तो इसको खोलेंगे तभी हमें पता लगेगा इसकी प्लेट तो कौन सी जैक लगी हुई है, तो किस तरह हमें इसको ठीक करना है फटाफट। तो इसके नट हम खोल लिए हैं देखिए यहाँ से, सारे के जितने नट लगे थे, तो इसको अभी अलग कर लेते हैं यहाँ से इसके पत्ते को, ब्लैक कलर का ये पत्ता यहाँ से हमने अलग कर दिया बिल्कुल, तो बाहर आ चुका है यहाँ पे। तो अब हमें करना क्या है, ये देखिए प्लेट को सीधा बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे अब कोई भी नट नहीं है, तो यहाँ 2 लॉक के सारे अटका हुआ है, तो इसको बाहर निकाल लिया देखिए। तो ये वाली जैक कैस के अंदर यहाँ से हमने इसके रबड़ को भी टाल लिया यहाँ से आगे से, तो प्लेट बाहर आ चुकी है। अब जैक लगाना बिल्कुल आसान है, जैक तो अब जैसे हमने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है उसी तरह लगेगा। तो अब हमें करना क्या, देखिए इस प्लेट को अलग करते हैं यहाँ से, तो इसमें भी यहाँ पे नट दिए गए हैं, तो इन नटों को खोल लेंगे फटाफट यहाँ से दोस्तों। देखिए 3 नट हैं, तीनों को यहाँ से खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद देखिए आपको आगे क्या दिखाते हैं, आगे भी इसके नीचे भी प्लेट दी गई है, उसको भी खोलेंगे। तो कंप्लीट खोलना है दोस्तों एक बार में, तो क्योंकि हमें पता लग जाएगा, तो एक में हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है जिससे कि सारे पार्ट्स को खोल के उसकी वीडियो बना पाए, तो वो भी बनानी है, इसलिए इसको पूरा खोल रहा हूँ। और क्या बात है कि हमारे पास पहले भी ये पहली बार आया है, तो इसलिए इसकी सारी चीज़ों खोल के देख लेंगे इसी बार में कि कैसे क्या चीज़ कहाँ पे लगी हुई है, तो हमें काफ़ी कुछ पता लगेगा दोस्तों खोलने से, तभी नॉलेज बढ़ती है। तो देखिए यहाँ से इसके फटाफट इसके भी नट खोल लेते हैं, प्लेट हमने अलग कर लिया है, एक तो एक प्लेट को है, इसको भी नट खोल के इसको भी अलग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि फाइनली जितनी प्लेटें थी सारी चीज़ें थी, एक एक पार्ट्स हमने इसका खोल दिया, अलग कर दिया दोस्तों।
तो ये देखिए यहाँ पे पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इतने सारे पार्ट्स इसके अंदर निकले हैं, नट निकले हैं दोस्तों, तो आप देख ही रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं सारे दिखाऊंगा आपको, तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको खोला एक, तो देखिए उस पर काफ़ी अच्छे व्यू आए हैं दोस्तों। मैंने काफ़ी 10 दिन पहले शायद अपलोड कर दी थी जिसमें भी काफ़ी 1800 व्यू आ चुके हैं। तो अब इस वीडियो को भी जल्दी बना के जल्दी आपको के सामने पेश करूँगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें जैक को चेक कर लेना है यहाँ पर कि इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है नहीं आ रही है दोस्तों। अगर नहीं वोल्टेज आ रही होगी तो फिर जैक ख़राब है दोस्तों। वैसे जैक की हमें ख़राब लग रही है, अगर वोल्टेज आती है तो इसमें चेक कर लेंगे एक बार अच्छी तरह, और दूसरी जैक हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो ये जैक ही ख़राब है दोस्तों। यहाँ पे इसको जैक को चेंज कर लेंगे, तो जैक देख लेते हैं दोस्तों। ये जैक तकरीबन 1-2 फ़ोन के मॉडल में आती है, तो वही जैक हमें यहाँ पे लगानी है फटाफट। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, तो हमें जैक को चेंज कर लेंगे। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, इस करके वीडियो आपको पूरी देखोगे तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी यहाँ पर कैसे हमें क्या करना है। तो आपको दिखाएंगे फिटिंग भी कैसे होगी इसकी। तो दोस्तों फटाफट इसमें अब चार्जिंग जैक लगा लेते हैं, क्योंकि जो चार्जिंग जैक है जैसे उतारेंगे वैसे ही लगा सकते हैं। तो आपको मैंने काफ़ी वीडियो दे रखी है कि चार्जिंग जैक कैसे लगानी है। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें चार्जिंग जैक लगा लिया और आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ चार्जिंग जैक पर। तो चार्जिंग जैक पर आपको वोल्टेज भी दिख गया है, 5 वोल्ट कुछ आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर इन पिनों पर भी देख लेंगे, जैसे कि चार्जिंग यहाँ पर वोल्टेज आएगी तो यहाँ पर भी देख लेंगे भाई कोई वायर वगैरह ख़राब तो नहीं है, कि वोल्टेज वगैरह सही आ रही है नहीं आ रही है। तो एक बार सारी पिनों को चेक कर लेंगे, देख लेंगे किन कौन कौन सी प्रिंट पे कौन कौन सी वोल्टेज आ रही है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे। तो फटाफट इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको चेक करने के बाद हम फिट करके देखेंगे। तो पहले स्पीकर को पूरा फिट नहीं करेंगे दोस्तों, बाहर से ही हम इसको तारे वगैरह लगा के अच्छी तरह स्पीकर में और इसके ऊपर बोर्ड पर चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें लगाया है, तो ये चार्जिंग की शो कर रहा है, मतलब चार्जिंग भी हो रहा है। और ये रेड कलर की जो लाइट दिखा रहा है ये बैटरी लो की लाइट दिखा रहा है दोस्तों, ना कि चार्जिंग की। तो देखिए इसको थोड़ा चार्ज होने देंगे क्योंकि काफ़ी डेड पड़ा है ये। चार्ज होने के बाद फिर कस्टमर बता रहे हैं इसमें वाइट कलर की लाइट आती है, तो इसको थोड़ा चार्ज होने देते हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए इसमें वाइट कलर की लाइट आती है नहीं आती है दोस्तों। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें, और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। तो इसको 5-10 मिनट रख के रखते हैं, देखते हैं उसके बाद ये चार्ज होगा या कैसे क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने इसको चार्ज कर लिया और इसमें स्पीकर वगैरह भी लगा लिया। यहाँ पे स्पीकर वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे वाइट कलर की लाइट आ चुकी है, जो कि ये आपको दिख रही होगी ब्लिंक करती हुई। तो ये इसी तरह चार्ज होता है दोस्तों, रेड लाइट आएगी तो इसमें ये दिखाता है कि बैटरी डाउन हो चुकी है। तो जैसे कस्टमर ने बताया था हम भी आपको वैसे ही बता रहे हैं कि भाई इस तरह ये रेड कलर की लाइट आती है। तो हमने देखी ये जैक लगाई थी पहले, ये सेम जैक थी। तो ये लगाने के बाद भी क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो ये सही तरह चार्ज नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया फिर इसमें दूसरी एक जगाड़ के थ्रू दूसरी जैक लगाई है, जो कि वो भी ठीक लग चुकी है बिल्कुल इसमें, जिससे कि सही तरह चार्ज हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि दोस्तों एक जैक जो हम नहीं लेते हैं वो सही तरह सेटिंग नहीं बन पाती, तो फिर दूसरी जैक लगानी पड़ती है। तो क्योंकि काफ़ी जैक के हमारे पास काफ़ी टाइम हो जाता है, पड़े पड़े वो ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि कार्बन वगैरह आ जाती है जिसके कारण ये ख़राब भी हो जाती है। तो हमने जैक चेंज की है, जैक चेंज करने के बाद ये बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है। तो आपको एक बार इसको चला के भी दिखाऊंगा, इसका जो स्पीकर है स्पीकर भी चला के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और फोर्स ने कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, कनेक्ट से हो चुका है। तो अभी इसको दिखाता हूँ आपका स्पीकर जब ये चलेगा तो कैसे बेस करता है दोस्तों, कैसे ये हिलता है बिल्कुल सही तरह। तो बैठे रहना दोस्तों, कहीं भी जाना नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने चला दिया इसको स्पीकर को, तो आपको दिख रहा होगा देखिए बिल्कुल ये किस तरह हिल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा इसको तिरछा भी करके भी दिखा दूंगा, ताकि आपको सही तरह निकले ये भी चल रहा है नहीं चल रहा है दोस्तों। देखिए तो इस तरह ये काम करेगा, तो काफ़ी अच्छी बेस है दोस्तों इसकी, जो कि साउंड भी बहुत बढ़िया है चल रहा है, जो कि हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने चला रखा है इसको। तो अभी सिर्फ एक ही स्पीकर लगा रखा है, जैसे कि इसकी आवाज़ काफ़ी बढ़िया आ रही है, और जब दोनों स्पीकर लगे तो काफ़ी बढ़िया आएगी, और फिट करने के बाद तो और मस्त हो जाएगी माशाल्लाह। तो इसको फटाफट अब देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, पहले इसकी जो ये चार्जिंग की जो हमने पिन निकाली थी यहाँ पे, जो पत्ता है इसका चार्जिंग का, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह फिट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा ये लॉक है, देखिए जो लॉक को आप लगा सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे हमने इसको निकाला कैसे नहीं है थोड़ा बहुत। तो उसको इस तरह सेटिंग करके अच्छी तरह लगा लें दोस्तों, और लगाने के बाद इस पर हमें करना क्या, नटी लगाने हैं। बाकी जो चीज़ जैसे खोली थी उसी तरह आप फिट कर सकते हैं दोस्तों, और ना फिट आए तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या चीज़ हमने पहले खोली थी और कैसे क्या खोलते जा रहे थे, उसी के हिसाब से आप इसको फिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम करना क्या है, देखिए सारे यहाँ पे नट लगा लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपको कल को नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और जिसको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों, रिपेयर के लिए जो आपके ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, नेकबैंड होते हैं, वायरलेस कोई भी चीज़ हो दोस्तों, चार्जर वगैरह भी है,
तो उनको भी रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों। जो भी हमारे पास नई नई चीज़ें आती हैं उनको हम आपको रिपेयर करके दिखाते हैं कि कैसे भाई इनको खोल सकते हैं, क्या इनके अंदर प्रॉब्लम थी, कैसे इनको ठीक करेंगे। तो आप ये मेरी वीडियो देख के आप काफ़ी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे है कि आशा कि आप भाई पूरी वीडियो देखा करें जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, और ताकि आप फिर बाद में मैटे कॉल करते हो कि भाई ये चीज़ कैसे होगी। तो आप वीडियो देखें और वीडियो में सीख के जब आपको वीडियो से समझ ना आए तब आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें दोस्तों। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।